नमस्कार के हरियाणा पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव रूपाना में, जो कि अर्नाबाद हलके का गांव है। और यहां पे सुनीता दुग्गल, जो भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा उम्मीदवार हैं, उनका एक कार्यक्रम रखा गया था, तो उस कार्यक्रम में अच्छी खासी भीड़ हमें यहाँ पर देखने को मिली। चलिए बाकी चर्चा करते हैं सुनीता दुग्गल जी से। सुनीता जी, आज कहाँ कहाँ आपके प्रोग्राम थे और कैसा रिस्पॉन्स लोगों का रहा? आज बहुत से गाँव में हमारे प्रोग्राम थे, जिसमें कि कुछ कालांवाली के हल्के के भी गांव थे और इसके साथ साथ यहां पर आज जो है रूपाना गांव में भी था। तो उन सब जगह पर बड़ा ज़बरदस्त जो है लोगों का उत्साह है और सरपंच जो है वो पूरी पूरी पंचायत के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, INLD को और कांग्रेस को छोड़कर। और एक तरफा सा माहौल जो है गाँव के अंदर नज़र आ रहा है। ये सब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों और हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर लोग जो आज हमारा साथ दे रहे हैं, तो हम सब कार्यकर्ता बंधु उससे बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। सुनीता जी, अगर मैं बात करूं तो ये जो इलाका है सिरसा लोकसभा क्षेत्र, INLO का एक होम डिस्ट्रिक्ट भी है और INLO के बहुतायत यहाँ पे रही है। हर बार लगभग INLO के ही सांसद बने और फिलहाल जो सांसद है वो INLO के ही हैं। तो क्या लगता है, कैसे आप चश्मा को तोड़कर कमल खिला पाएंगे? देखो, चश्मा तो अपने आप ही टूट गया है, हमें टूटने की जरूरत, उसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं कोई आधार जो है अब उस पार्टी का नहीं रहा है यहाँ पर। और यह कारण, और उसी कारण से आप ये देखिए कि अभी तक कहीं उन्होंने अपने उम्मीदवार भी घोषित नहीं किए, जबकि हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो इतने समय से उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और हम सभी कार्यकर्ता बंधु तब से लगे हुए हैं इसमें, सभी गाँव के लोगों के साथ संपर्क बनाने में। तो मुझे लगता है कि वो खुद इस बात को मान चुके हैं कि अब उनका जनाधार जो है वो खत्म हो चुका है और अब उनकी जो दुकानदारी ज़्यादा चलने वाली नहीं है। लोग समझने लगे हैं, लोग व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं और वो व्यवस्था परिवर्तन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाई है। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि अब की बार फिर मोदी सरकार। मैम, INLO दो फाड़ हुई है, JJP और INLO दो गुटों में बढ़ चुकी है, तो क्या लगता है आपको कितना बेनिफिट इसका भारतीय जनता पार्टी को मिला? देखिए, ऐसा है कि हमारे कार्यकर्ता अपनी मेहनत करते हैं, हम लोग किसी इस तरह के छोटे जो है वो उसको लाभ को नहीं देखते हैं। ये उनका पारिवारिक जो मामला था, क्योंकि उनके स्वार्थ की राजनीति थी, उसमें वो किस तरह से दो फाड़ हो गए हैं, तो ये एक सबक ज़रूर है। जनता ये ज़रूर देख रही है कि ये स्वार्थी लोग थे, ये अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है। हमें इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर मिला है कि लोगों ने अब इस बात को पहचाना है कि वो स्वार्थी जो है राजनीतिक थी उनकी, और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है वो जनता की राजनीति है और जनता की, और इसके साथ साथ देश की राजनीति है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ का फ़ायदा हमें ज़रूर मिला है। सुनीता जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, आपके अर्नाबाद हलके में काफ़ी प्रोग्राम हो गए, कालांवाली हलके में भी अच्छे खासे ज्वाइनिंग हो गई हैं, लेकिन दूसरे जो हलकों में रानिया की बात करें या सिरसा की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी कमी लग रही है, क्या कमी है? नहीं, सिरसा में आप देखिए नहराना गाँव आते हैं, अब नहराना गाँव में अभी हमने कल परसों ही बहुत शानदार वहाँ पर कार्यक्रम हुआ, सरपंच साहब ने पूरे वहाँ पर पूरे के पूरे गाँव के साथ जो है वो INLD को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, और भी बाकी जगह पर भी बड़ा ज़बरदस्त रुझान है। और कल हम नरवाना की बात करें तो नरवाना में भी पूरी पूरी बिनैन खाप जो है वहाँ पर, और बड़ी बड़ी पट्टियाँ वहाँ पर, जैसे जो है काली रावणा पट्टी है और काला पट्टी, वो सब के सब जबरदस्त तरीके से जो है वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। और कोई ऐसी बात नहीं है, बड़ा अच्छा रुझान है, हर जगह पर रुझान है, और डबवाली में भी बहुत अच्छा रुझान है। डबवाली से तो हमारे जो है वो आदित्य देवीलाल जी, वो तो वहाँ से जिला पार्षद मेंबर हैं, और किन को हरा के बनाया उन्होंने ये भी सबको पता ही है। तो हमें, आप हमारे किसी भी हल्के को हल्के में नहीं ले सकते, सब मोटो मोटो काम है। एक महिलाओं की बात करूं मैं, महिला हैं आप भी, और महिलाओं की कितनी भागीदारी आपके इस चुनाव पर? देखिए, मेरा परम सौभाग्य है कि जो 8 सीटें डिक्लेयर हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की, उसमें मैं महिला के तौर पर जो है महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हूं, और हमारी महिलाओं में बड़ा ज़बरदस्त
इस बात को लेकर उत्साह है और मुझे लगता है कि ये एक हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि महिलाओं को किस तरह से आगे लाना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि चाहे हम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की बात करें हमारी सुषमा स्वराज जी, चाहे हम डिफेंस मिनिस्टर की बात करें जिसके अंदर के एकाधिकार जो है वो पुरुष का रहता था लेकिन उसमें भी हमारी महिला जो है वहाँ पर वो मंत्री हैं, इसके साथ साथ स्पीकर हमारी जो है सुमित्रा महाजन जी तो वो भी एक महिला है, तो बहुत बड़े बड़े ओहदे हमारी भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को दिए हैं, तो इससे ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण में बहुत विश्वास रखती है। चलिए शुक्रिया सुनीता जी बातचीत के लिए। तो यहाँ पे सुनीता दुग्गल का साफ तौर पे यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी है वो महिलाओं को साथ लेकर के चलती है, और आने वाले समय में अगर मैं बात करूँ तो सुनीता दुग्गल का कहना है कि इनेलो के चश्मे को तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही टूट चुका है, यानी कि दो फाड़ इनेलो हो चुकी है। और उसके बाद पहली बार उनका मानना है कि सिरसा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनने जा रहा है, अब तक आश्वस्त हैं लेकिन अब तक सभी पार्टियों के जो चुनावी कैंडिडेट हैं वो डिक्लेयर नहीं हुए हैं। अगर सिरसा से भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनता है तो हरियाणा बनने के बाद पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को सिरसा से सांसद मिलेगा। हालांकि अब तक सिरसा से सिरसा लोकसभा की बात करूँ तो सिरसा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी नहीं बना है। हालांकि टोहाना से सुभाष बराला पहली बार जो MLA बने हैं सिरसा विधान लोकसभा क्षेत्र से, लेकिन सिरसा जिले की बात करूं तो सिरसा जिले से ना तो कोई MLA अब तक भारतीय जनता पार्टी का बना है और ना ही कोई सांसद भारतीय जनता पार्टी का बना है। कैमरा सहयोगी मुकेश बेनीवाल के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।